I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. कोई कहे कहता रहे हमको भी जितना दीवाना हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। गाड़ी चलाना जल्दी। कोई कहे कहता रहे हमको भी जितना दीवाना। ओए खाली गाड़ी जरा साइड में लगा, मुझे गाना गाना है। अभी तक गाड़ी में बैठ के वही कर रहे थे ना। अबे इसीलिए तुझे खाली बुलाते हैं। सर है लेकिन उसमें किडनी नहीं है, और किडनी होगा तो वो काम नहीं करता होगा। गाड़ी रोक यार, मुझे एक जरूरी काम करना है। एक सुपर हिट गाना गा के आने दे। अबे क्या कर रहा है यार, रुक अभी आता हूँ। अयो अभी इसको कौन सा अर्जेंट है। अब समझ गया सुपर हिट गाने का मतलब क्या है। समझ गया, खुले में करने का मजा ही कुछ और है। ओए कौन है, छोड़ो मुझे। अरे कौन है, अरे जाओ। अरे अरे मेरे भाई को छोड़ो, क्यों उसको लेके जा रहे हो। छोड़ो मुझे भैया, भैया Thank you.
बड़े बुजुर्गों ने कहा है, एक दारू की बोतल पियो, फिर एक पलटी मारो, फिर एक दारू की बोतल पियो, फिर एक पलटी मारो और फिर वापस चले जाओ। ए रंगा का बेटा, तू है भंगी, तू मुझे कुछ भी बोल सकता है। तू ऐसे पलटी क्यों मार रहा है? बड़े बुजुर्गों ने बोला है ना, जल्दबाजी अच्छी बात नहीं, सब्र का फल मीठा ही होता है, और पीते समय तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करने का, समझा? भाई जल्दी करने से क्या होगा? अरे यार, जल्दबाजी से मेरा एक दिन का काम बढ़ गया ना। आपका मतलब क्या है सूर्य भैया? पासा जरा, तेरे कहने का मतलब क्या है? किडनी? ओह, मुझे तो कुछ और लगा था। ए यार रंगा, तू ऐसे क्यों गड़गड़ करके एक बार में पी गया बोल? इसलिए पिया, उन लोगों ने मुझे इतनी बुरी तरह मारा है कि कितनी भी पी लूं दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। दुश्मनी तेरे साथ थी और तेरा गुस्सा उन्होंने मुझ पे उतार दिया। तुझे पीटना था, मुझे पीट डाला। ए दोस्त के खातिर थोड़ा सा मार नहीं खा सकता क्या तू? जब दोस्ती की है तो उसे निभाना भी चाहिए, फिर चाहे 8 दिन में 80 इंजेक्शन लग जाए उसे भुलाना नहीं चाहिए, समझे? सही कहा, ऐसे ही है। आई लाइक इट। ए भाई एक बात बोलूं, आई एम वेरी सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे कितनी मार खानी पड़ी है। अबे कुछ चीजों में तसल्ली भी काम नहीं करती, मेरे अंग अंग में सुइयां चुभ रही है, बात करता है। अब सॉरी बोलता है। अब कैसा हाल है? जैसे तेरा हाल है वैसे मेरा हाल है। ए यार बस कर, बहुत ज्यादा पी ली तूने। ज्यादा पी ली? Just a minute, अभी आया। फुल फ्रेश, ओके ना? अब दोबारा शुरू करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा पी ली है, अब बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना। मार मुझे लगा या तुझे लगा है? ए वो सब पुरानी बातें, छोड़ उसे। मार मुझे लगा या तुझे? ए क्यों पुरानी बातें याद करके इतना पी रहा है तू? पुरानी बातें भूल जाए यार, कल एक नया लड़का काम पे आने वाला है ना, उसको काम का टाइम बता, चल। ओके। एक खाली एक काम कर, इन सारे कैंस को गिन के ऑटो में लोड करवा के उस टेंट हाउस पे पहुंचा दे, ठीक है? ओके भैया। चल। 1, 2, 3, 4। हेलो। कौन है यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बिग पार्टी लगता है, कमीशन तो आज गारंटी है। hey, सपना देख रहा है क्या? कुछ नहीं भैया। भैया बोलो क्या चाहिए था? सूर्या। सूर्या? सूर्या भैया अंदर है। आप वो सूर्य से मिला। समझ गया, छोड़ो, आपके घर में बड़ा फंक्शन है इसलिए हमारा दुकान में पानी ऑर्डर करने आया है ना। कितने कैन चाहिए था? नहीं नहीं, मिस्टर रंगनाथ ने भेजा है। कौन? पब्लिक टीवी रंगनाथ? नहीं, तबेले वाला रंगनाथ। ओ, ओ, बैठो। अरे कैन भी ना। कितना एक कैन वाटर का? 30 रुपीज। तू क्या करता है इधर? एम्प्लॉय सर। अच्छा, कितना पगार? पगार कुछ 5,000 देते हैं, लेकिन हमारे सूर्य भैया दिन में 100 से ज्यादा केन ऑर्डर किया तो 100 रुपए ज्यादा देते हैं। हमारे सूर्य भैया बहुत अच्छे हैं। ए खाली, कौन है वो? सर यही है हमारे बॉस। भाई 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 भाई, नमस्ते भाई। महीने का 5,000 पगार, दारू पीना डेली का 100 रुपए नहीं। हाँ, टिप 100 रुपए देते हो ना? मुझे दे दो भाई, पैर पकड़ता हूँ। प्लीज भाई, ये ड्रामा मत कर, सीधे पॉइंट पर आ, आखिर बात क्या है? भाई वो रंगा भेजा मुझे काम के लिए। ओहो, वो तू है क्या? तो इतना नाटक क्यों कर रहा था यार? थोड़ा है रखूं घर के। थोड़ा नहीं, ज्यादा ही हो गया। तू चुपचाप अंदर चल, नहीं तो काट डालूंगा। देख लो उसे। प्लीज भाई, जो मैं काम दूंगा ठीक से करेगा ना? काम देखिए, देखो फिर देखना। गाड़ी चलानी आती है ना? गाड़ी चलाने में बहुत फेमस हूँ बॉस, गांव में कितनी सारी गाड़ी चलाई है मैंने। ए खाली, गाड़ी में कैन डाल। हाँ भैया। ये ले गाड़ी चला। गाड़ी मैं चलाऊं बॉस? अरे तो क्या मैं चलाऊंगा? आज तुझे मैं सारे रूट बता देता हूँ, कल से तू अकेले जाएगा, समझा? ये ले चाबी। बस गाड़ी में चलाता हूँ, स्टार्ट आप करो। अरे कैसा आदमी है यार तू, थोड़ा पैर हटा। अरे अब क्या ढूंढ रहा है यार? गियर किस तरफ है बॉस? अरे इस गाड़ी में गियर नहीं है भाई। पता है, मजाक कर रहा था। अरे पहले कभी किसी को बैठा कर गाड़ी चलाई नहीं है क्या तूने? मैं इस गाड़ी के बारे में नहीं, भैंस गाड़ी के बारे में बात कर रहा था। ओहो, बहुत चालाक आदमी है तू। मैं क्या बोला? पता है, मैं भैंस गाड़ी को भी ब्रेक लगा दिया था एक बार।
अंधी है क्या? रोड देखते हुए आ रही थी या क्या देखते हुए आ रही थी? सीधा सीधा हमारे जैसे गाड़ी चलाने वाले लड़कों को आगे ठोक देती है, फिर मम्मी पापा करके क्रिकेट कमेंट्री जैसे कंटिन्यूस डायलॉग मारने। समझता क्या है खुद को? ज्यादा चर्बी हो गई है क्या? कुछ 5 किलो होगा चाहिए तुझको, बोल 2 किलो देता हूँ फ्री में। हमारे जैसे लड़कों को देखते ही पटाना शुरू कर देती है। तो क्या मैं तुझे लाइन मार रही हूँ? अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? सड़क पर चलने वाले भिखारी भी तुझसे भीख नहीं मांगेंगे। तेरे पीछे तो बहुत बड़ी लाइन लगी है ना, तू जाके अपनी शक्ल आईने में देख। ये हाँ? मेरी माँ ने जो मुझे सा हैंडसम लड़का पैदा किया ना, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो पहले पता होता तो माँ को मना कर देता। ए, बस करो। I'm sorry, madam. ये सब मेरी ही गलती है। इसे ड्राइव करना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने इसे ड्राइव करने के लिए बोला। आप क्यों बोल? मैडम आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? ए, उसकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, हमारी गाड़ी को लगा है। सॉरी मैडम, सॉरी। हाँ, इट्स ओके। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी मैडम। हाँ, या इट्स ओके। चलो बस। ए, तू क्या कर रहा है? चल तू उधर बैठो, गाड़ी में चलाऊंगा, तू पीछे बैठ। ए, चल रे बंदर। और क्या इनको उठा। ए, चल। ए, बंदर किसको बोली रे? ए, जा रहा है तू? लड़की करके छोड़ रहा हूँ। इधर आ। आज इसका टाइम अच्छा है, बोल रहा हूँ मैं। आगल हो गया लगता है ये आदमी, चल जल्दी बैठ। अरे हमें देर हो रही, जल्दी बैठ। अब ठीक से कैन पकड़ना, इसे गिराना मत। पकड़ने में जिंदगी बीत गई। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन मेरे सामने। काम तुझे आता नहीं और नाम तूने अपना सुंदर रख लिया है। गिलास के अनेस को अंदर देकर आ। चल गाड़ी पकड़। पहले बोतल पकड़, अब बाइक। गाड़ी पकड़। आंटी, आंटी। आ रही हूँ। क्या है? पानी। घूर क्या रहा है? चल पानी अंदर देकर आ। जो पानी लेके गया उसका नाम क्या है? ये देखने में है बंदर, लेकिन इसका नाम है सुंदर। ओ आंटी, बहुत घूर लिया, पैसा दीजिए, हम चलते हैं। अब तू कहाँ जा रहा है? पैसा लाने। वो पैसे लेकर आएगी ना, कल से सारे एरिया में तुझको पानी देना है। सारे घरों को अच्छे से देख ले। देख रहा हूँ। ए आंटी को नहीं, ओनली घर को देख। मैं भी वही देख रहा हूँ। हाँ पता है मुझे। ये लो पैसे। हेलो, ठीक से देख लीजिए, कल से यही आएगा पानी देने के लिए। ध्यान से देखिए, इसका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी गड़बड़ कर सकता है ये। ए तू चल रे। बाय। हेलो, तुझे क्या यहाँ पर घर बसाना है? चल काम पर। इसको शायद जलन हो रही है। बैड बॉस। भैया चाय लाऊं? लेकर आ। ए, मुझे एक स्ट्रॉन्ग टी लेकर आ। ए, दारू के अलावा चाय भी पीता है क्या? उठा के टांग दूंगा, चुपचाप चला जा। खाली कहने? हाँ सूर्या, आज मुझे काम है, चलता हूँ। एक काम कर, सारे कैन को भर दे, कल गृह प्रवेश का एक बड़ा ऑर्डर है। तू उसका टेंशन मत ले, हम लोग है ना, सब मैनेज कर लेंगे। ओके, पानी भरने मैं भी जाता हूँ बस। तुझे पानी भरने की जरूरत नहीं है, बस तू अपने एरिया में टाइम से पानी पहुँचा देना। तो पानी छोड़ने में तो हम फेमस है ना, वो कौन मिस करेगा। पानी देने का मतलब ये होता है कि लोगों को ठीक से सर्विस देना, समझे मिस्टर सुंदर? मिस्टर रंगा जी, कस्टमर के यहाँ पानी छोड़ के आना है, ये हमारी सर्विस है, ये हमें भी पता है, ठीक है? वैसे तुम बातें तो अच्छी करते हो, तुम्हारा गाँव कौन सा है? मैंगलोर बॉस, मैंगलोर का राजा। ओहो, मैंगलोर के राजा आप ही हो। मैंगलोर में कहाँ? उडुपी। और यहाँ आने से पहले वहाँ क्या काम करते थे? वो एक बड़ी कहानी है। भैया चाय। कहानी छोटी करके बोलो। वो एक स्वामी जी की लव स्टोरी थी। मैंगलोर में एक छोटा सा आश्रम था, उस आश्रम का स्वामी जी का नाम था कन्यानंद स्वामी जी।
उनकी आंखों से ही सब प्रभावित हो जाते थे। मेरे चाचा भी उन्हीं में से एक थे। उस आश्रम को कुछ फायदा नहीं होता था, लेकिन खर्चे के लिए 100-200 रुपए मिल जाते थे। मुझे भी उस आश्रम में शामिल करवाया गया। स्वामी जी के भी कोई नहीं थे, हम सब सेट करके खुश थे। लेकिन उस आश्रम के स्वामी जी रोज रात को बाहर जाते थे, सुबह घर पे आते थे, एक दिन भी आश्रम में नहीं सोते थे। दिन में ड्राइवर्स गाड़ी चलाते थे, लेकिन रात को वो खुद चलाते थे। कोई नहीं देख रहा है, चल दरिया में डूब जाए। कोमल, कोमल, अरे कोमल, कोमल, जुमा जुमा, आप हो, आओ मेरी रानी, मेरी सोना, अंदर चलो, देख ले, मेरी जान, मेरी जान, मेरी रानी। क्यों जी, आप इतने लेट क्यों हो गए? कोमल, शक्कर चुराओ तो गोली में छेद नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो उसमें बार बार चींटी के घुसने का डर लगा रहता है। हे, तुम ना बहुत ही चालाक हो, है ना? कोमल, इतनी सुंदर लग रही हो तुम, देखो जितनी पियो उतनी मदहोश करने वाली मदिरा लग रही हो तुम। युद्ध करके जीतने वाली देश कीमती हीरे की तरह हो तुम कोमल। क्यों, क्या हुआ? करंट लगा कोमल। मैं भी ये देख देख के थक गया था, कैसे भी करके इसको अटैक करना है और ये चक्रव्यूह को तोड़ना है। ये सोच के उस स्वामी जी के पीछे पीछे गया। मैंने स्वामी जी को देख लिया। सुंदर, कोई देख लेगा, तुम अंदर आ जाओ, आ जाओ। सुंदर, तुमने यहाँ जो कुछ भी देखा ना, किसी को मत बताना। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन बोलो ना। मैं कुछ मांगू? मांगो ना। वो जो कन्यानंद स्वामी जी को दिए हो ना, वो मुझे भी दो ना। हाँ? तुझे भी चाहिए? तू रुक, मैं अभी आती हूँ। ये पता होता था कि मान जाएगी तो एक महीना पहले ही आके मांग लेता था। कंट्रोल नहीं हो रहा, जल्दी आओ। सुंदर, हाँ? तुम्हें वही चाहिए ना? हाँ। चाहिए? हाँ। तो ये ले, ले, और ले, और चाहिए, निकाल दे, और आ तो। क्या कॉमेडी था? बड़ा खिलाड़ी है यार तू। स्वामी जी के आइटम पर तू हाथ साफ करना चाहता था, तुझे मार पड़ी, बिल्कुल सही हुआ तेरे साथ। दोबारा ऐसा मत करना तू। उसके बाद क्या हुआ? क्या होगा, वो आके स्वामी जी को बोली, स्वामी जी मेरे चाचा को बोले, मेरे चाचा मुझे बैंगलोर के बस में चढ़ा दिए। स्वामी जी के यहाँ चक्कर चलाने के अलावा कोई और भी काम किया क्या तूने? सिर्फ स्वामी जी नहीं, उनके आश्रम में और भी चार लोग हैं, उनकी सेवा भी रोज रोज होती है। इसीलिए आप भी मौके पे चौका मार रहे थे। मैंने सोचा मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मंगल आरती सब हो गया ना? सुंदर, अभी आप कहाँ सेटल होना चाहते हैं? और कहाँ, आपके रूम में। क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो बॉस? आपके अलावा मेरा कौन है? जहाँ आप वहाँ मैं। बहुत चालाक आदमी है तू। नहीं चाहिए तो बोलो बॉस, मैं किसी मंदिर में जाके सो जाऊंगा, जैसे करण अर्जुन में शाहरुख खान सोया था ना वैसे। मतलब तू बंदूक उठाएगा माँ का बदला लेने के लिए? फिलहाल आप पानी का कैन पकड़ा दो। सुनते सुनते ये चाय ठंडी हो गई, जा दूसरी चाय ले गया।